शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात सुनाई है कि बच्चे एक है चित्र और एक है विचित्र। चित्र अर्थात देह, दैहिक चित्र में आते हैं, उसमें स्थित होते हैं, अर्थात देह अभिमान में आ जाते हैं। तो आज बाबा कहे, बच्चे तुम्हें विचित्र बन, विचित्र धर्म में स्थित होना है। भावार्थ यही, चित्र का धर्म है दैहिक धर्म, लेकिन हम बच्चों को विचित्र के धर्म में स्थित होना है। विचित्र है आत्मा, जिसका कोई शारीरिक चित्र नहीं है। तो बाबा कहे, विचित्र का धर्म अर्थात आत्मा के स्वधर्म में स्थित होना है और उस स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करना है। बहुत सुंदर तरीके से आज बाबा ने कहा, स्वधर्म और परधर्म, देह का धर्म परधर्म है। इसीलिए भगवद गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है पर धर्म दुख का कारण है। जब देह अभिमान के धर्म में आ जाते हैं तो अनेक प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं तो स्वयं भी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप और सर्व को भी आनंद के वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशंस देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं, देह के धर्म में नहीं, आत्मा के स्वधर्म में टिको। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है। फिर यहां चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हरेक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। दुनिया के सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को, पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाली मृत्यु होती रहती है,
वह फिर है अमर लोक। सत्ययुग है अमर लोक, जहां अकाली मृत्यु नहीं होती है क्योंकि पवित्र है। अमर लोक का मतलब ये नहीं मरते ही नहीं है, लेकिन बाबा कहे कभी अकाली मृत्यु वहां नहीं होती क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। जैसे जैसे व्यभिचारी बनते हैं, अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं, तो आयु भी कम होती है और आत्मा में बल भी कम हो जाता है। सत्ययुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाएं कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना बाबा को याद करते जाते हैं, बाबा की आशीर्वाद मिलती जाती है। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा, उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे, उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। यह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है ये हमारे माँ बाप है जिनसे ये वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुखधाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए उनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। बाबा कहे ये पढ़ाई बहुत ऊंच है क्योंकि जरूर कोई ना कोई ऐसी डिफिकल्ट बात भी है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर न सके, बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देनी पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व शाहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं है। बाबा कहे बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं है। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। बाबा कहे नापास हुए माना कैरेक्टर में जरूर रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को दो कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ा है। सच खंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ।
झूठे मनुष्य को दैवी गुणों वाला नहीं कह सकते। ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं, ऐसी झूठी बातें किसी की न सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही, श्रीमत को लीगल मत कहते हैं। तो एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र है। ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं, विचित्र बनो, निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको। आत्मा के गुण धर्म में टिकना है, देह अभिमान में नहीं आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है। मनुष्य पूछते हैं, तुम्हें क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होते। वह समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्होंने रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है। हम क्या थे, फिर 84 जन्म में कितना गिर कर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने में थे, अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। कोई गुलाब का फूल भी बनता है तो बाबा कहे कोई अक भी बनते हैं। पास ना पास तो होते ही है, खुद भी समझते हैं, हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। शाहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है।
भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते ही नहीं। ईश्वर अर्थ करेंगे लेकिन जानते नहीं। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहां होते हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी है शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना, ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्व को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है, बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। बाबा कहे कोई चीज का उद्घाटन करने के लिए कोई आते हैं तो उनको पत्रिका दी जाती है कि होनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। बेहद का बाप कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं, सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को ड्रामा को भूल जाते हैं। खुद को भी भूल जाते, बाबा को भी भूल जाते और ड्रामा को भी भूल जाते हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम ये थे फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहां तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, शाहूकार नहीं आएंगे।
दुखी है तब आते हैं। शाहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत तो मिलती रहती है। इतना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्म समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है, तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। बाबा कहे राइट हैंड बच्चे जो होते हैं उनको राइट साइड बिठाना चाहिए। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे, सतयुग में क्या होगा? सतयुग याद पड़ेगा, सत बाबा भी याद पड़ेगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां ये पता नहीं है कि हमको ये बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हरेक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही है इसलिए पढ़ाने। ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। सूक्ष्म पढ़ाई है तो सूक्ष्म पढ़ाई को समझने की बुद्धि भी सूक्ष्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेने हैं, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।